नमस्कार प्यारे बच्चों, बोला जो कमजोर होते हैं वे बदला लेते हैं, जो शक्तिशाली होते हैं वे माफ कर देते हैं, और जो बुद्धिमान लोग होते हैं वे नजरअंदाज कर देते हैं। आज हम कुछ एक साथियों के मेरे पास मैसेज आए थे कि ESP की जो HSSC डी ग्रुप का जो अभी रिजल्ट आया है, ठीक है, HSSC जो डी ग्रुप का रिजल्ट आया है, इसमें जो ESP है, इलिजिबल जो स्पोर्ट्स पर्सन है, उनकी वेटिंग लिस्ट में कट ऑफ क्या रहने वाले हैं, ठीक है, वर्तमान में फिलहाल क्या कट ऑफ गई है, और जो वेटिंग लिस्ट आएगी पहली ही वेटिंग लिस्ट में क्लियर हो जाएगा ESP। तो हमें पता है कि भाई 1300 पद हैं लगभग, तो कुछ एक पद ऐसे हैं जिनको होल्ड कर दिया गया है, अभी उनकी वेटिंग लिस्ट आने वाले हैं। तो इसी पर मैं संक्षिप्त में चर्चा करूंगा। साथियों से निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक देखना, इसमें कुछ एक और भी अच्छी जानकारी दूंगा आपको। देखो, ESP की जो अभी जो रिजल्ट आया है 11,000 का, तो जनरल की तो सभी को पता है 42 है, ठीक है, और जो BCA है उसकी भी 38 है, SC है वो भी 38 वाला क्वालिफाई सेलेक्ट है, और लेकिन जो BCB की है ये एक नंबर ऊपर है 39 पे। तो चूंकि अब इसकी वेटिंग लिस्ट निकलनी है, ठीक है, EWS की तो पहले ही 51 पर थी, पर अब 44 पे है। तो मेन बात है जनरल की वेटिंग में कहां तक कट ऑफ जाएगी, EWS की कहां जाएगी, और ये तो इनकी तो सीटी रिक्त रहेंगे, पद ही खाली रहेंगे, इनके तो कैंडिडेट नहीं बचेंगे। अब हम बात करते हैं कि जब वेटिंग लिस्ट आएगी तो वेटिंग लिस्ट में इनकी कट ऑफ क्या रहने वाली है, इसी पे मैं 1 या 2 मिनट की चर्चा करता हूं आपसे। देखो, सबसे पहले तो जो EWS की मेरिट, ये कट ऑफ क्यों बढ़ गई है, इसका कारण, सबसे पहला कारण है, जब पोर्टल आया था तो पोर्टल में या तो जानबूझ के गलती की थी, या फिर गलतियां हो गई, या फिर जो तंत्र है उसकी गलती है, जो सरकारी तंत्र है उसकी गलती है। जनरल के कुछ एक कैंडिडेट EWS में चले गए थे, एक तो गलती ये हो गई पोर्टल में, ठीक है, इसलिए ये कट ऑफ अधिक हो गई। दूसरी बात है कि 2018 में जो डी ग्रुप था, तो डी ग्रुप की वेटिंग लिस्ट बहुत जल्दी आएगी, बहुत जल्दी, तो क्या ये सारी चीजें तो लोकसभा चुनाव के बाद ही होनी है, ठीक है, लेकिन वो सेफ है कैंडिडेट, क्यों सेफ है ये इस पर डिस्कस कर रहे हैं कि 2018 की डी ग्रुप की जो वेटिंग लिस्ट आएगी वो लगभग 500 कैंडिडेट्स की आएगी, तो 500 कैंडिडेट्स की आएगी, तो ये तो जाहिर सी बात है कि सीनियरिटी के लिए जो फिलहाल वर्तमान वाली ज्वाइन ना करके बच्चे ये पहले वाली 2018 वाली ही ज्वाइन करेंगे, तो 500 कैंडिडेट की जो ESP की ये लिस्ट आने वाली है, तो यहां कैंडिडेट चले जाएंगे। तीसरी बात है जो टेक्निकल है, टेक्निकल के जो अभी नियुक्ति हुई थी टेक्निकल सी ग्रुप की, ठीक है, तो सी ग्रुप में जो 12,100 पद थे एलम है, जो बाकी सारे हैं टेक्निकल ग्रुप के, तो इनमें बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो इलिजिबल है स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, ठीक है, तो ये जब ये यहां सी ग्रुप में चले गए तो वापिस डी ग्रुप में क्यों आएंगे, ये कंडीशन है। चौथी जो कंडीशन है, ये जो बढ़िया कंडीशन है कि ESP, ठीक है, इलिजिबल स्पोर्ट्स पर्सन, और OSP आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन, तो इनके लिए 447 पदों पर भर्ती वर्तमान में निकली हुई है। तो ये इस भर्ती में देखो वार्डन है, ठीक है, वार्डन है, इसमें कोच है, इसमें एलम है, इसमें हरियाणा पुलिस में भी जो स्पोर्ट्स पर्सन है, हरियाणा पुलिस है, कॉन्स्टेबल है, ठीक है, इसमें हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर के हैं, इसमें TGT की जितने प्रकार की भर्ती है उसमें फिजिकल एजुकेशन टीचर है, तो इस इतने प्रकार की 447 पद यहां भरे जाएंगे, ठीक है, तो ये यहां भरे जाएंगे, तो ये जो 447 पद है ये भी सी ग्रुप की है, तो वो सी ग्रुप ही ज्वाइन करेंगे, डी ग्रुप में क्यों आएंगे, तो इतनी चीजें हैं। उसके बाद जो वेटिंग लिस्ट की कट ऑफ रहने वाली है वो भी अधिक से अधिक 40 लगा लो, 40 वाला तो कन्फर्म ही सिलेक्ट है,
ठीक है, जो पद होल्ड पर किए हुए हैं 40 वाले हैं, बीसी की है ना, बीसी की, एससी की, ये तो सारे पद ही खाली रहने हैं, इनकी तो वेटिंग लिस्ट ही नहीं निकलेगी, क्या निकलेगी, तो खाली पद ही रहने हैं। ईडब्ल्यूएस की है तो ईडब्ल्यूएस कंफर्म, ईडब्ल्यूएस ज्यादा से ज्यादा 40 वाला तो है ही, वैसे तो 38 पे 39 पे चली जाएगी। तो एक तो ये जानकारी देनी थी उन साथियों को जिन्होंने मेरे से पर्सनली मैसेज किया था, ठीक है। तो मोटी बात ये है, ईएसपी के जितने भी हैं एलिजिबल जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं, वो तो जितने भी कैंडिडेट हैं सभी लग जाएंगे, इनके तो पद ही रिक्त रहेंगे, बीसीए बीसीबी एससी के, इनके तो पद ही रिक्त रहेंगे, और ये जनरल और ईडब्ल्यूएस है ये 40 तक ही चली जाएगी। वैसे तो संभावना है कि इतनी चीजें होने के बाद यदि वेटिंग लिस्ट आती है तो फिर तो 38 वाले ही कन्फर्म है। अब एक बहुत अच्छी जानकारी तो ये है कि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जितने भी अनुबंधित जो कर्मचारी थे 5 से 10 साल के लिए बी सी और डी ग्रुप के, ठीक है, उनके लिए 7 दिन के अंदर उनकी जो प्रासंगिक जो जानकारी है वो मांगी है। तो हो सकता है कि उनके लिए बहुत अच्छा होने वाला है, ये बहुत अच्छी जानकारी है। अब अंत में यही कहूंगा कि बहुत से एग्जाम आने हैं 2024 में, बतेरे एग्जाम आने हैं, सारी भर्तियां सराउंडिंग जो वेरियस जो एरिया क्षेत्र के भिन्न भिन्न क्षेत्र में जहां एसएससी की बहुत सी वैकेंसियां हैं, डीएसएससी कलर की है, डीजीटी है, फिर इधर आ जाओ हरियाणा में सीईटी होने वाला है, सीईटी के बाद लोकसभा के बाद में भर्तियों की भरमार है, राजस्थान में केवीएस में, इधर एसएससी में, हरियाणा में बी सी डी ए सभी ग्रेड्स की बहुत सी वैकेंसी आने वाली हैं। तो अब है ना दोबारा से जो बच्चे अभी थोड़ा सा तनाव में हैं, थोड़ा डिप्रेस्ड हैं कि भाई उनका रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आया, तो उनका रिजल्ट भी पॉजिटिव आएगा, लेकिन अब टारगेट दूसरी जगह फिक्स करो और तैयारी शुरू करो, प्रभु जो करेगा वो अच्छे के लिए करेगा। धन्यवाद।